आज हम बात करने जा रहे हैं NCL जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट GK का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का पहला पार्ट है, और भी पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको दूसरा पार्ट की नोटिफिकेशन पल पल मिल सके। ये वीडियो 10 साल पुराने पूछे गए क्वेश्चन में NCL में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दो नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? उत्तर है 52 सेकेंड। तीन नंबर क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? उत्तर है शक संवत। चार नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? उत्तर है हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? उत्तर है हृदय। छः नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? उत्तर है पीयूष ग्रंथि। छः नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? उत्तर है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? उत्तर है रॉन्टजन। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? उत्तर 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से के साथ लगती है? उत्तर है चीन। चीन अपनी बाउंड्री सबसे ज़्यादा कंट्रियों के साथ साझा करता है। बारह नंबर क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? उत्तर तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? उत्तर है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर है असम। असम काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? उत्तर है पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर क्षिप्रा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? उत्तर है चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? उत्तर है मीथेन। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्धार्थ अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा था? उत्तर है लोकमान्य तिलक। 20 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? उत्तर 6 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर है देवनागरी। और देवनागरी और कौन सी भाषा की लिपि है? महाराष्ट्री। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? उत्तर दूध मेखला या मिल्की वे। 23 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उत्तर है उत्तर मार्तंड। 24 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास कृति रामचरितमानस हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर है अवधी भाषा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दूसरा पार्ट देखने के लिए। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उत्तर है उदय भानु हंस। 26 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? उत्तर है एथेन यूनान में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर है हॉकी। हॉकी में 8 बार भारत ने ओलंपिक में जीता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? उत्तर है 1980 मास्को में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? उत्तर है 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है लुसान स्विट्जरलैंड में। 31 नंबर क्वेश्चन है, 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? उत्तर है लंदन। 32 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? उत्तर है 5। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं जो कि एक आपस में सटे हुए रहते हैं।
33 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? उत्तर है माइकल फेल्प्स। 34 नंबर क्वेश्चन है, सन 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? उत्तर है टोक्यो जापान। जो कि 2020 में ओलंपिक खेल होने वाला था, कोविड-19 की वजह से अब 2021 में ओलंपिक खेल होगा जो कि टोक्यो जापान में होगा। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? उत्तर है बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? उत्तर है 1900 में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? उत्तर है कड़म मलेश्वरी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? उत्तर है महर्षि दयानंद। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे यह किसने कहा? उत्तर नील आर्मस्ट्रांग। 40 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? उत्तर है राकेश शर्मा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें, पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।